हाय फ्रेंड्स, manisha.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। गर्मी का सीज़न तो शुरू हो गया है। इस सीज़न में आपको ठंडी ठंडी चीज़ खाने का मन तो सबको करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुल्फ़ी बनाना। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। मैंने 1/2 लीटर अमूल टोन मिल्क लिया है। आप कोई भी गाय का दूध यूज कर सकते हैं। बस आप जितना भी दूध लें उसका 1/3 भाग आपको जलाना पड़ेगा ताकि दूध थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मैंने इसमें टोन मिल्क लिया है तो मुझे ज़्यादा नहीं जलानी होगी। इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल आ चुकी है, इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए। पाँच से दस मिनट तक चलाना है, इसमें ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि मैंने टोन मिल्क ऐड किया है। आप अगर गाय का दूध से बना रहे हैं तो फिर आपको 1/3 दूध उसी हिसाब से आपको जलानी पड़ेगी। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, इसे चारों तरफ से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बच्चे तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, पर आइसक्रीम में आप जितनी मर्जी ड्राई फ्रूट्स डालिए वो खुशी खुशी खा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे लगातार चलाते रहें। मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4 टीस्पून के करीब मैंने चीनी ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिस भी बर्तन में आप बनाएं उसका तल थोड़ा सा ये मोटी रहे तो आपका बर्तन ज़्यादा जलेगी नहीं। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे मैं पानी से घोल लेती हूँ। मैं इसे ऐड कर देती हूँ। लगातार चलाते रहना है। मैंने यह कुल्फ़ी वाइट ही रखा है। आप चाहे तो कोई फूड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर आप सेफ्रॉन भी डाल सकते हैं।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कॉर्नफ्लोर पाउडर डालने के बाद इसे हमेशा चलाते रहें वरना नीचे से ये जल जाएंगे। ये ठीक हो रही है। बस इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, मैंने दो इलायची को अच्छी तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दिए। बस ये हो गए हैं। अब मैं इसे फ्लेम इसका बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाए तब मैं इसमें आइसक्रीम के कप में इसे डालूँगी। देखिए ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे आइसक्रीम के कप में इसमें डाल दूंगी। सब इस कप को मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था, ये ठंडी होनी चाहिए। 5-10 मिनट भी आप रखिए, उसके बाद ही इसमें जमने के लिए आप डाल सकते हैं ताकि अंदर तक ठंडी ठंडी रहे और काफ़ी जल्दी यह जम जाए। यह कुल्फ़ी जमने में आपका 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें कैप लगा देती हूँ इस तरह से। आपके पास अगर यह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या कोई भी आइसक्रीम के कप में आप जमा सकते हैं। इसे इस तरह से कोई भी कप में आप इसे लेके एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर लें अच्छी तरह से और रबड़ की सहायता से इसे मैं कर देती हूँ। देखिए इस तरह से कवर कर दिया। आइसक्रीम स्टिक इसमें डाल दें। बस आपका आइसक्रीम ये तैयार है, कुल्फी जमने के लिए तैयार है। मैं इसे फ्रीजर में डाल देती हूँ। 7 से 8 घंटे में यह कुल्फ़ी हमारी खाने लायक हो जाएगी। 7 से 8 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे कुल्फ़ी को एक निकाल के दिखला देती हूँ। एक कुल्फ़ी के लिए मैंने इसमें नॉर्मल पानी लिया है 1 गिलास और 1 कप को मैं उसमें थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से देखिए कितना बढ़िया कुल्फी बन के आ गया है। ग्लास को हटा देते हैं।
देखिए इस तरह से कुल्फी, देखिए कितने बढ़िया से बढ़िया बन गया है। इसमें आप ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। कितने कम टाइम में हमारा कुल्फी बनके तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी? ठंडी ठंडी कुल्फी खाने के लिए तैयार है। देखिए आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।